हेलो गाइस, मैं मनीष सिंह कांटा। भाई ये मनीष सिंह कांटा कैसे है, मनीष सिंह कांटा ऐसा ही बोलता है। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मौसम बहुत तकड़ा, उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं मनीष सिंह कांटा को, आप जानते हैं, जो बोलता है हेलो गाइस मैं मनीष सिंह कांटा और वियर के साथ और क्या क्या चीज़ के साथ तो बैठा रहता है भाई साहब। उसका अलग ही भाई का स्वैग है। अरे उसका गाना आ गया, आपको पता नहीं है, उसने गाना एल्बम कर रखा है मनीष सिंह भाई ने, ऐसा मनीष सिंह कट्टा जो है गाना कर रखा है ना, एल्बम कोई कर रखा है, तगड़ा है। वो समर सिंह के साथ में कोई भोजपुरी गाना आया था। तो कौन कौन जानता है मनीष सिंह कट्टा को, कमेंट में बताओ पहले, ठीक है। बहुत तगड़ा भाई, उसको कभी देखा जाता है मनीष भाई को कि कभी वो पहाड़ों में जाता है, कभी नदी के किनारे बैठ के है? आप देखते हैं वीडियो ना? वीडियो देखते रहते कि वो दारू पीता रहता है, एकदम अपना बनाते रहता है भाई। अब जहाँ भी बैठेगा पूरा वो अपने ग्रुप रहेगा, दो तीन लौंडे रहेंगे और बजाने वाली लौंडी है। हाँ वो रहेगी और ढोलक लोग बजाती रहती है साथ में, कुछ कुछ गाना गाती रहेगी। उसके बाद से ब्लेंडर वगैरह, उसके बाद से ये बियर, हाँ बियर भी खूब पीता है भाई साहब। बताया नहीं जा सकता, पीता है ना भाई साहब, बहुत खींचते हैं, इसीलिए इनको पता है कि कौन ब्लेंडर है कौन क्या है। भाई मैंने बाल उगर में अपना वो करवा लिया था, बाल मतलब कटवा लिया था पूरा। तो अभी माहौल ऐसा है, कैसा भी ठीक लग रहा है वैसे। बाल नहीं है तो कभी कभी इस भी रोल में आना चाहिए। मैंने इसलिए वो करवा दिया था कि काफ़ी दिन हो गया था, 7-8 साल हो गए थे, 7-8 नहीं 5 साल तो हो ही गए थे, इसलिए मैंने बोला वो कर देते हैं ठीक। और एक नहीं, हमारा ब्लॉग छोटा ही रहता है 5 मिनट का। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बकुला, ये है बकुला, ये हमारे रूम पे ही रहता है। और ये बकुला हो गया और ये इसका तालाब है, ये मछली के इंतज़ार कर रहा है, मछली आएगी तो ये उसको मारेगा टुई और करेगा कुई, खा जाएगा ठीक है। पानी देखो भाई साहब कहाँ से निकल रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है। ये अमराना की जगुआर खड़ी है यहाँ पे, कुड़ी कह दी बेबी पहले जगुआर ले लो फिर जिमी मर्जी पे यार ले लो। और भी दिखाते हैं, पता है क्या आपको दिखाते हैं, फूल अपने रूम पे देख रहे हैं कितने बारीकी तरीके से लगाया गया है भाई, ये सही लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है, सही है यहाँ से। ये भी यहाँ पे हरियाली है रूम पे भाई साहब हमारे, देख रहे हैं हरियाली ही हरियाली है। और थोड़ा पीछे हो जाते हैं, कुड़ी कहनी बेबी पहले जगुआर ले लो फिर जनी मर्जी पे यार ले लो। भाई जब जगुआर ले लेंगे तो तुमसे थोड़ी ना प्यार करेंगे, पागल थोड़ी है। जस्ट किडिंग। यहाँ से ये सारे, कल पता है कल यहाँ से एक नारियल गिरा था, ये तो अच्छा हुआ था भाई साहब कि कोई नीचे नहीं था, नहीं तो इतने ऊँचा से गिर रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतने ऊँचे से ये गिरा होता ना किसी के सिर पे या कहीं गिरा होता कोई, वैसे तो लोग बाहर यहाँ नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर निकला होता अगर उसके सिर पे गिर जाता तो सिर फट जाता पक्का। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यही वाला है, ये दिख रहा है ना, यही है वो, ये वाला यहीं से गिरा था और इसी में गिरा था। अच्छा हुआ कि इधर से इस साइड से गिरा था, तो हमारे रूम में गिरा था, ग्राउंड में गिरा था, इधर अगर गिरा होता। इधर देखिए, इधर लोग, ये रास्ता है, लोग जाते आते रहते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती, तो अच्छा हुआ कि मतलब सही स्थान गिरा था ये, ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ ठीक। और अपना है अभी रखे हुए हैं, लोगों का है, रूम का रखा हुआ है, उसको आज सोच रहे प्लान ये बन रहा है कि उसको आज काटा जाएगा, क्योंकि काटने का भी है नहीं, जो काटा जाता है ना इधर जो काटते हैं वो बहुत हैवी रहता है, आप एक बार मारोगे वो कट जाएगा, इतना ही, बहुत तगड़ा है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।